हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले चैप्टर में हम लोग देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है। आज हम लोग देखेंगे एक बेसिक कंपोनेंट के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं बेसिक तौर पे। पहला है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड ये सिंबॉलिक तौर पे इस टाइप से लिखते हैं। एक पॉइंट इसका एनोड होता है, दूसरा पॉइंट इसका कैथोड होता है। बीच वाले पॉइंट को इसे हम जंक्शन कहते हैं। ये एक पी टाइप मेटल से मिलकर बना होता है और दूसरा एन टाइप मेटल से मिलकर बना होता है। जब इसको हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो इसी डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अभी बेसिकली समझने के लिए कि क्या क्या है बेसिक कंपोनेंट उसको देखते हैं। डायोड जो है टू टर्मिनल होता है, नेमली एनोड एंड कैथोड। द एनोड प्रीफर पी टाइप मटेरियल रीजन एंड कैथोड प्रीफर टू द एन टाइप रीजन। ओके, मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ डायोड इज अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन वन डायरेक्शन, वो जो कहलाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, वाइल ब्लॉकिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इज कॉल्ड रिवर्स डायरेक्शन। डायोड का बेसिकली यही काम होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को आगे फ्लो करने देना है और रिवर्स डायरेक्शन वो ओपन सर्किट की तरह इस्तेमाल करना है, वहाँ से करंट पास नहीं होगा। सिंबल हमारा डायोड इस टाइप का होता है, बीच में एक पट्टी होती है सफ़ेद रंग की, और फिर इसको हम एक तरफ जो पट्टी के नज़दीक वाले पॉइंट होता है उसे कैथोड कहते हैं और इसे लास्ट वाले को एनोड। थियोरेटिकली सिंबल हम इस टाइप से लिखते हैं, एक एनोड कैथोड पॉइंट बना होता है बस। जब फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में करते हैं डायोड का यूज़ अपने सर्किट में, तो ये ओपन क्लोज सर्किट तरह काम करता है। वोल्टेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड इसके अपोजिट जब रिवर्स बायस में इसे कनेक्ट करते हैं तो ये ओपन सर्किट तरह काम करता है और यहाँ से सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो दोनों का इम्पोर्टेंट यूज़ है, इस दोनों कंडीशन का, वो हम अपने डिवाइस के डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तब देखते हैं उसको। अगला है रेसिस्टर। रेसिस्टर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेसिस्टर जो है ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, चाहे प्लट के हम जैसे भी लगा दें। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये कोई रेसिस्टर है, इसे हम दोनों डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सिंबल इस टाइप से होती है और यूनिट ओम लिखते हैं। दस द रेसिस्टर में बी कनेक्टेड इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट कंसर्न फॉर ए लीड पोलराइजेशन। लीड के पोलराइजेशन के इसमें टेंशन नहीं होता, दो तरफ पलट के हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट में, जो वैल्यू होगी वो करंट को अपोज करेगा बस। ये यूज़ होता है कंट्रोल करने के लिए करंट को इनसुटेबल अमाउंट में, करंट वोल्टेज ड्रॉप के लिए भी यूज़ करते हैं। रजिस्टर मेनी टाइप का होता है, जैसे पहला 100 ओम, 1000 ओम, 270 ओम, 200 किलो ओम, 1 मेगा ओम, कुछ भी हो सकता है, मेनी टाइप के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर में बेसिकली कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग जो होती है उसको हम लोग समझने के लिए इस टाइप से देखते हैं उसमें कितने टाइप कलर बनाया गया है। तो पहला है ब्राउन ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड, चौथा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, इस टाइप के कलर कोडिंग होते हैं। इसमें से जो जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी वजह से हम उस रजिस्टर के वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली वे में। तो फर्स्ट बैंड, इसमें जो बैंडिंग की होती है रजिस्टर में, जैसे ये बैंडिंग की हुई है, एक बैंडिंग बनी हुई है मल्टी लेयर की, तो फर्स्ट बैंड का वैल्यू में सेकंड बैंड की वैल्यू होगी, थर्ड बैंड की वैल्यू होगी, फोर्थ बैंड की वैल्यू होगी, चार बैंड का अगर रजिस्टर है तो इसमें सभी कलर का अपना अपना वैल्यू होता है। पहला ब्लैक का 0 फर्स्ट बैंड के लिए, ब्राउन का 1, रेड का 2, सिमिलरली ग्रे का
एट, वाइट का 9, गोल्ड इसका नंबरिंग नहीं करते हैं। सेकेंड बैंड में सेम, लेकिन थर्ड बैंड में ये मल्टीप्लाई की तरह काम करता है कि ये जीरो अगर है 10^0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्राउन है 10^1, रेड है 10^2, इस हिसाब से मल्टीप्लायर होता जाएगा। और फिर गोल्ड का 0.1 मल्टीप्लाई होगा और सिल्वर का 0.01 मल्टीप्लाई होगा टोटल वैल्यू में। और फोर्थ बैंड जो है हमारा टॉलरेंस शो करता है, तो गोल्ड का टॉलरेंस है ±5% एंड सिल्वर का टॉलरेंस है ±10%। ये फोर बैंड का रजिस्टर की वैल्यू थी। उसी तरह सिमिलरली मेरे पास फाइव बैंड की भी कलर कोडिंग होती है, तो सेम चीज़ शुरू से लेके अंत तक ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये शुरू से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, वाइट तक 9 रखना है। गोल्ड और सिल्वर का वैल्यू नंबरिंग में नहीं है, ये टॉलरेंस में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से फर्स्ट बैंड का वैल्यू, सेकंड बैंड का वैल्यू लिखते हैं, फिर थर्ड बैंड का वैल्यू लिखते हैं 0 से 9 तक है, जो भी होगी एग्जांपल के तौर पे उसको नंबर उठा के अपना वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। फिफ्थ बैंड वाले रजिस्टर में फोर्थ बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा और फिफ्थ बैंड टॉलरेंस शो करेगा। कलर चार्ट होता है इसका हर इस, और रजिस्टर के ऊपर बैंड बना होता है उसी उसी रंग का, तो इससे पहचान पाते हैं कि इस किस वैल्यू का रजिस्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू फाइंड करना रहा और किसी रजिस्टर के ऊपर ब्राउन, ब्लैक, येलो एंड गोल्ड, ये चार कलर प्रिंटेड है उस पर, तो हम इसे पहचानेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले फोर कलर वाले में देखते हैं, पहला कलर है ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर गोल्ड। तो ब्राउन कलर का वैल्यू है पहला 1, 1, ब्लैक कलर का वैल्यू है फर्स्ट बैंड में 0, सेकंड बैंड में तो उसका वैल्यू है 0, थर्ड बैंड में है येलो, येलो का वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10^4, मल्टीप्लाई बाय 10^4, और गोल्ड का टॉलरेंस का वैल्यू होता है फोर्थ बैंड में ±5%। इस तरह से हम देखते हैं कि ये मेरा वैल्यू हो जाता है 1 एंड 0 लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10^4 इज इक्वल टू 100K ओम प्लस माइनस गोल्ड का 5% प्लस माइनस 5% वैल्यू का ये रजिस्टर है। उसी तरह अगर एक एग्जांपल ऑल रजिस्टर के वैल्यू नापने के लिए कि उसके जो कलर बैंड बना हुआ है वो क्या है, तो पहला मान लेते हैं येलो अगर मिला, दूसरा वायलेट मिला, तीसरा ब्लैक मिला, चौथा गोल्ड मिला, तो उसी तरह की वैल्यू निकालेंगे। येलो का वैल्यू फोर्थ बैंड चार्ट में, येलो का वैल्यू 4 फर्स्ट बैंड में, पहला बैंड होगा ऊपर 4 लिख दिए, सेकंड बैंड वायलेट का कलर नंबर होता है 7, सेकंड बैंड में 7 लिख दिए, ब्लैक का थर्ड बैंड में मल्टीप्लायर कहलाएगा, तो ब्लैक का मल्टीप्लायर होता है मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 10^0, और गोल्ड का +5% टॉलरेंस होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 47 ओम ±5% वैल्यू का रजिस्टर मेरा होगा। जैसे ये रजिस्टर कोई है तो इससे कुछ वैल्यू होगा, इसको हम पहचानेंगे इस कलर बैंडिंग के वैल्यू को देखते हुए। इसका ठीक उल्टा रिवर्स में देखते हैं, अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 150 ओम का और ±5% रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट बैंड 1, सेकंड बैंड के लिए 5 और मल्टीप्लायर बाय 10, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड के लिए 5% यहाँ दिया हुआ है, ये मेरा फोर बैंड रजिस्टर है होगा ही। तो पहला का कलर आएगा ब्राउन, दूसरा का कलर आएगा ग्रीन, तीसरा का कलर आएगा ब्राउन, क्योंकि मल्टीप्लायर का 10 ब्राउन होता है और गोल्ड कलर 5% टॉलरेंस, इस तरह से ये मेरा कलर बैंड पहचानने को मिल जाएगा। तो हम रिवर्स भी चेक कर सकते हैं दोनों साइड से, वाइस वर्सा। रजिस्टर का सिंबल इस टाइप से होता है, ये फिक्स रजिस्टर कहलाता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, इसे हम अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट हम इससे टेस्टर के थ्रू या फिर स्क्रू के थ्रू, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू उसे वैल्यू कम बेस करते हुए उसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। अगला एक बेसिक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल इस टाइप का होता है, एक पोलैरिटी होती है इसमें और प्लस माइनस
लेक बने होते हैं इसके अंदर। ओके इसका सिंबल ऐसा है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके ये चार्ज स्टोरेज का काम करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एलईडी है, ये भी एक पीएन जंक्शन डिवाइस होता है जो लाइट इमिट करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। द इमिटिंग डायोड्स लाइट में भी विजिबल और इनविजिबल, ये दो टाइप के लाइट इमिट कर सकते हैं, जो विजिबल लाइट भी देखने को मिलेंगे और इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायलेट इनविजिबल लाइट भी रिलीज करते हैं। कुछ डायोड ऐसे भी होते हैं जो हम लोग इंफ्रारेड सेंसर में इस्तेमाल करते हैं रीड करने के लिए अपना प्रोजेक्ट के तौर पे, कभी आगे जब देखेंगे उसे प्रोजेक्ट वाले लेक्चर में। द अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड बायस करंट पे। ये मेरा एलईडी का सिंबल इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। बुक में ये थ्योरेटिकली इस टाइप से डिनोट किया जाता है और ये यूनिवर्सल है, यह हर जगह हमेशा से इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल है। सर्किट में भी जब हम किसी एलईडी को ग्लो करना होता है तो पहले हम एक बैटरी सोर्स से जोड़ने के बाद एक रेजिस्टर लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए और फिर सूटेबल वैल्यू का, और फिर एलईडी ग्लो कराते हैं। तो ये सर्किट में इस टाइप से एलईडी लगती है। ओके ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, ये सर्किट के थ्रू दिखाया गया है। एक और तरीका है एलईडी को शो करने का कि हम एलईडी ग्लो कैसे कर रहे हैं। एलईडी मल्टी कलर भी होती है और आरजीबी लाइट भी होती है, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रास्ट सर्किट के थ्रू वोल्टेज के साथ अप्लाई करते के साथ हम डेवलप कर सकते हैं। तो टू कलर एलईडी होती है और मल्टी कलर एलईडी जो यूज़ करते हैं हम लोग आरजीबी लाइट से बोलते हैं, वो भी एक टाइप का एलईडी है। ओके सेवन सेगमेंट डिस्प्ले भी एक एलईडी का एप्लीकेशन है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का एक सर्किट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेवन एलईडी लगी होती है, अरेंज टाइप से अरेंज की होती है, जिसमें से हर एक का एक रजिस्टर वैल्यू होता है और जिस जिस पे वैल्यू जाता है वोल्टेज का वो ग्लो होता है, जिससे हम लोग जीरो से नंबरिंग सिस्टम जो हम लिखते हैं वो सेवन सेगमेंट का इस एलईडी का यूज़ करते हुए सेवन सेगमेंट का यूज़ करते हैं और उसको वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपना डिस्प्ले कराते जाते हैं कि हमें क्या लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो डिजिट नंबर लिखना है तो टू डिस्प्ले लगाएंगे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, फिर थ्री डिजिट फोर डिजिट लिखना है तो हम अकॉर्डिंग टू यूज़ एप्लीकेशन अपना सेवन सेगमेंट डिस्प्ले बढ़ाते जाएंगे और सर्किट से कनेक्ट करते जाएंगे। ये बेसिक है। एक और बेसिक कंपोनेंट है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो थ्री टर्मिनल होता है, पहला होता है लिमिटर, फिर होता है बेस, फिर तीसरा होता है कलेक्टर। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने में यूज़ होता है और स्विचिंग के तौर पर यूज़ होता है बेसिकली। ये दो टाइप के होते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर होते हैं और पी एन पी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। पहले इसमें थ्री टर्मिनल जो होते हैं, एक होता है इमीटर कलेक्टर, तीसरा होता है बेस। इमीटर कलेक्टर बेस, इसके बारे में डिटेल, इसकी एप्लीकेशन एंड थ्योरी वो सॉलिड स्टेट जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे स्टडी अच्छे से करेंगे। ट्रांजिस्टर टू टाइप के होते हैं, बीजेटी बेसिकली बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका व्यूज हम लोग आगे देखेंगे। एक होता है फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ट्रांजिस्टर का सिंबल जो होता है थ्योरेटिकली जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं और ये यूनिवर्सल है, इसका लेग अंदर की तरफ है तो इसे पॉइंटिंग इन पीएनपी के टाइप से जानते हैं, और ये लेग ये एरो साइन बाहर की तरफ है तो नॉट पॉइंटिंग इन, इसे एनपीएन के तरफ से जानते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की तरह था। अब हम लोग आगे सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।